हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक विद मलिक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा मैं दो कंपनियों के बारे में, जिसमें पहली कंपनी है गेल। गेल ने अपनी एक न्यूज़ रिलीज़ करी है और उस न्यूज़ में क्या है, चलिए पहले वो न्यूज़ दिखाता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे कि इस शेयर के अंदर हमें खरीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, न्यूज़ कुछ इस तरह है। गेल इस 10 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में ये अपना एक 10 मेगावाट का ग्रीन पावर प्लांट लगा रहे हैं। स्टेट ऑनेट गेल इंडिया लिमिटेड इस मेडन ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एट विजयपुर इन हैज़ बीन कमीशनेड, मेकिंग ए मेजर स्टेप फॉर द नेशन इस लार्जेस्ट नेचुरल गैस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फर्म इस फॉरी। तो देखिए, ये न्यूज़ निकल कर आई है, इन्होंने 10 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट लगा रहे हैं। इस न्यूज़ का कल देखते हैं क्या असर देखने को मिलता है शेयर के प्राइस के ऊपर। अब चलते हैं इसका शेयर का प्राइस देखते हैं, इसके अंदर खरीदारी करने लायक कुछ है या नहीं। अब देखिए, कंपनी की कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जो एक इन्वेस्टर को चेक करना ज़रूरी होता है, जिसमें पहला देखें इसका मार्केट कैप। तो मार्केट कैप कंपनी का 1,34,428 करोड़ का है। मार्केट कैप इतना बड़ा है कि कंपनी के ऊपर कोई डाउट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। सरकारी कंपनी है, नवरत्न कंपनियों में से एक कंपनी है, बड़ी कंपनी है, बेहतरीन फंडामेंटल है। लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है शेयर मार्केट के अंदर, जो हम लोग जाते हैं पैसा कमाने के लिए। पैसा कब कम सकता है, चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो, जब तक उस शेयर का प्राइस इंक्रीज नहीं होगा हमें प्रॉफिट नहीं होने वाला। अब प्रॉफिट कब होता है, शेयर का प्राइस कब इंक्रीज होता है, कब बढ़ता है, जब आपको दिखाई दे कि शेयर का प्राइस गिर चुका है या शेयर के अंदर कुछ दिन से गिरावट देखने को मिल रही है और अच्छी न्यूज़ आ जाए, तो उसके अंदर 99% चांस होते हैं कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर शेयर भाग चुका हो, काफ़ी दौड़ चुका हो और उसके बाद उसके अंदर अच्छी न्यूज़ आएँ, उन न्यूज़ों का असर तो होता है, लेकिन इतना कम असर होता है कि वो थोड़ा बहुत बढ़ता है। उसके बाद जब रिटेलर घुसते हैं तो उसके अंदर गिरावट चालू हो जाती है और जो हम छोटे मोटे इन्वेस्टर होते हैं उसके अंदर फंस जाते हैं। वही चीज़ देखिए इसकी, इसके अंदर आप 52 वीक हाई और लो देखेंगे तो आपको दिखाई देगा 52 वीक का लो कितना है, मात्र 103 रुपये का ये लो है और 214 रुपये का हाई है। तो ये अपने इन्वेस्टर को 100% से भी ज़्यादा का रिटर्न बना के दे चुका है पिछले एक साल के कम समय में। करंट प्राइस क्या चल रहा है, 204 रुपये। तो ये अपने 52 वीक से मात्र 10 रुपये नीचे मिल रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर न्यूज़ की वजह से उछाल तो देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके चांस बहुत कम हैं कि आप यहाँ से बहुत अच्छा रिटर्न बना लें। लेकिन कोई जिम्मेदार गारंटी भी नहीं है, होने के लिए यहाँ से 500 ही चले जाए। लेकिन सरकारी कंपनियों में अक्सर देखा जाता है कि शेयर का प्राइस साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, 3 साल में बढ़ता तो है बहुत तेज़ी से, लेकिन फिर दोबारा नीचे गिरता है और फिर बहुत टाइम तक वहीं कंसोलिडेट करता रहता है, आसपास में घूमता रहता है, अक्सर ये देखने को मिला है। मार्केट में कोई भरोसा नहीं कर सकते, अच्छी न्यूज़ पे भाग जाए या गिर जाए, बुरी न्यूज़ पे बढ़ जाए या गिर जाए, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, ये सब ऑपरेटरों के हाथ में होता है। इसका बुक वैल्यू देखें तो 170 रुपये की इसकी बुक वैल्यू है, और साथ ही साथ देखें तो कंपनी के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कंपनी को बुरा बताए या कोई कमी दिखाई दे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कई वजह से हमें सावधानी बरतनी चाहिए। कंपनी का प्राइस देखिए बहुत ही भाग तो चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल आसमान में जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ देखें तो इसका वॉल्यूम भी बहुत ज़बरदस्त है, वॉल्यूम की कोई कमी नहीं है, शेयर के अंदर वॉल्यूम भर के आ रहा है। देखिए ये टीवी आप इमारतें ही देख रहे हैं खड़ी हुई, ये सब वॉल्यूम है इसका, और वॉल्यूम से आज कहीं भी देख रहे हैं, चाहे कम प्राइस पर देख लें या ज़्यादा प्राइस पर देख लें, वॉल्यूम की कोई कमी नहीं है। इसके अंदर आप इंटरडे वगैरह करते हैं तो इसमें फंसने का तो कोई चांस है नहीं। कुछ शेयर ऐसे होते हैं इनके अंदर वॉल्यूम इतना कम होता है कि हमने अगर जो शॉर्ट कर दिया था नीचे कोई खरीदने वाला नहीं मिलता, तो इस कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है, वॉल्यूम उसमें भरपूर आता है, बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, इसको आसानी से जो
ऑपरेटर होते हैं वो ऑपरेट भी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कुछ ना का रोल जरूर होता है, चाहे कितनी बड़ी कंपनी क्यों ना हो। अब इसके कॉन्स और प्रोस देखें तो देखिए, कंपनी के अंदर कोई भी बुराई नहीं है, बुराई नाम का कोई शब्द ही नहीं है, इसके अंदर बिल्कुल जीरो है। वहीं इसके प्रोस की अच्छाई की बात करें तो एक ही दिखाया जा रहा है टाइम, वो है कंपनी इज हेल्दी डिविडेंड पे आउट 43.8%, लगभग 44% का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को कंपनी बांट रही है। तो देखिए ये जो हुआ दोस्तों पहला शेयर, अब चलते हैं दूसरे शेयर की तरफ, उससे रिलेटेड जो न्यूज़ आई है वो भी आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दूसरा शेयर ये है जिसका नाम है एयरटेल। तो एयरटेल ने देखिए अपना एक क्या उन्होंने अपने तीन प्लान लॉन्च किए हैं, जो कि है पहला 30 दिन का, दूसरा 60 दिन का और चौथा 90 दिन का। इन्होंने अपने तीन प्लान पेश किए हैं जिसके अंदर यह अपने जो इन्हों के ग्राहक हैं उन्हों को सुविधा दे रहे हैं 5G की। उसमें जो आप तीन प्लान देख रहे हैं 30 दिन वाला और 90 दिन वाला, इसके अंदर दो प्लान हैं, एक 299 रुपये का और एक 489 रुपये का। इसमें आपको अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा। तो देखिए एयरटेल ने भी अच्छा प्लान पेश किए हैं, लेकिन जियो के मुकाबले पे बहुत कम है। जियो मात्र 239 रुपये में अनलिमिटेड 5G डेटा दे रहा है अपने ग्राहकों को, वहीं ये 299 में और 489 रुपये में अपने ग्राहकों को दे रहा है अनलिमिटेड डेटा 5G। तो इस शेयर पर भी आप नज़र बना कर रख सकते हैं, हो सकता है इस शेयर के ऊपर भी इस न्यूज़ का कुछ इम्पैक्ट देखने को मिल जाए और कुछ इसके अंदर अच्छा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। तो ये दो आज शेयर थे जिसकी न्यूज़ मेरे पास आई और मैंने आपको दिखाई। आपको न्यूज़ देखने में अच्छी लगी हो, वीडियो समझ में आई हो, तो वीडियो के अंदर कमेंट करें छोटा सा प्यारा सा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर दें। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जब भी मेरी वीडियो पाएंगे, किसी भी टॉपिक पर पाएंगे, तो आपको पहले ही इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि किस शेयर से क्या न्यूज़ आई है, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।